फाइनली Redmi Note 4 के लिए भी एसेंट OS 7.0 का ऑफिशियल Android 13 बिल्ड आ गया है। तीन डिवाइस के लिए ऑलरेडी कर चुका हूँ, Note 5 Pro के लिए, Mi 11X, Poco F3 के लिए, लेकिन इसके लिए वेट था तो अब फाइनली इसका भी देखने को मिल गया। वैसे तो आपको इनक्रिप्टेड ही देखने को मिलेगा ये, बट डिस्क्रिप्शन पर वीडियो मिल जाएगा इनक्रिप्टेड का भी और डिक्रिप्टेड का भी, जैसे भी आप इंस्टॉल करना चाहो मिल जाएगा। दोनों रिकमेंडेड रिकवरी भी मिल जाएगी, ऑरेंज फॉक्स और TWRP की। बाहर कहीं यूज़ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन पर दिया है उन्हीं दोनों में से कोई आप एक यूज़ कर लेना। फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लंबा जो है वीडियो भी होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अपना ओपिनियन भी ज़रूर दे दीजिएगा लास्ट में। एसेंट OS का ये 7.0 बिल्ड है ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है एंड सिक्योरिटी पैच 5 फरवरी 2023 का मिलता है। कर्नल इसके अंदर में डार्क मून का यहाँ पर जो है कर्नल देखने को मिल जाएगा 4.9 बेस्ड एंड सेलिनक्स स्टेटस इनफोर्सिंग मिल जाता है। अब चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर सिम के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर जो प्रेफर्ड नेटवर्क दिया गया है बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलेगा 3G और 4G का, और एक्स्ट्रा नहीं है फिलहाल अभी। एंड हॉटस्पॉट इसके अंदर काम कर रहा है, हॉटस्पॉट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, हॉटस्पॉट का यूज़ आप इसके अंदर कर पाओगे। एंड बाहर में प्राइवेट DNS बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है अभी फिलहाल इसके अंदर। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी अगर हम यहाँ पे कास्ट की बात करें तो कास्ट भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम में कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। क्राफ्ट विद हार्ट की बात करें जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका यहाँ पे एसेंट का जो है जान है इसके अंदर। एंड एसेंट का जो UI स्विच जो दिया गया इसके अंदर एडोन के अंदर, इससे आपका ये इस तरीके का क्लॉक इनेबल हो जाएगा, अलग अलग क्लॉक स्टाइल आप चेंज भी कर पाओगे इसके अंदर में दिए गए यहाँ पे, साथ साथ पोजीशन भी आप चेंज कर पाओगे। इसके लिए भी नीचे आपको मिल जाएगा ग्रेविटी का दिया है एंड नीचे ऑक्सीजन OS 13 क्लॉक स्टाइल के लिए कलर का मिलता है, तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन OS 13 सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप कलर का यूज़ कर पाओगे। ग्रेडियंट कलर भी वैसे दिया हुआ है तो ये आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक में पूरा मिलता है तो अलग अलग कलर दो दिए हुए हैं तो वहाँ से आप चेंज कर पाओगे, तो इसके लिए मिलेगा। नीचे फिर हेडर इमेज के लिए मिल जाएगा, इनेबल करते आपका वाटर ड्रॉप वाला बाय डिफॉल्ट इनेबल है, इस पे आप ऑप्शन जो है इमेज के वो आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग, तो ये भी आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर में, साथ साथ विजिबिलिटी चेंज कर पाओगे, एनिमेशन को भी चेंज कर पाओगे, और कलर लगाना है तो कलर को भी आप इसके अंदर चेंज कर पाओगे। कलर फिल्टर अलग अलग मिल जाते हैं, अगर आप कस्टम लगाना चाहो तो उसके लिए भी मिल जाता है, बट कस्टम लगाने से पहले आप यहाँ से कलर फिल्टर से कस्टम कलर सेलेक्ट कर लेना, तभी ये कस्टम यहाँ से चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। यहाँ से चेंज करते रह जाओगे वो आपका अप्लाई नहीं होने वाला, तो यहाँ से पहले आप कस्टम सेलेक्ट कर लेना और इसके अंदर से चेंज होगा। साथ साथ इमेज की ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर पाओगे, हाइट को भी एडजस्ट कर पाओगे, लैंडस्केप मोड पर भी हाइट को, साइड पैडिंग, टॉप पैडिंग, ये सब भी आप कंट्रोल उस इमेज का कर पाओगे, तो इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। एंड नीचे फिर वही फुल विथ नोटिफिकेशन मिलता है एंड स्टेटस बार पैडिंग के लिए मिल जाएगा, लेफ्ट एंड राइट साइड के लिए कंट्रोल करने के लिए, और नीचे कुछ स्टेटस बार स्टाइल मिल जाते हैं दो इसके अंदर में, तो एक तो iOS स्टाइल वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा एक दिया गया है आईफोन का जो कि स्टाइल दिया गया, इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे हाइट भी एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको इसके लिए आपको सिस्टम UI रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो सिस्टम UI रिस्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मीडियो डिवाइस से थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं यहाँ पे कट कर दूँ उसको, सिस्टम UI जो रिस्टार्ट होता है, और यहाँ से हाइट एडजस्ट कर लेना तो ये क्लॉक आपका प्रॉपर आ जाएगा। हाँ, ये कि थोड़ा स्पेस लेता है स्टेटस बार में, तो आप अपने हिसाब से देखो आपके ऊपर है आपको यूज़ करना है नहीं करना, यहाँ पे जो है रोम की तरफ से तो एसेंट OS की तरफ से दिया गया है तो इसका यूज़ वैसे आप यहाँ पे कर पाओगे, तो इसको भी हम यहाँ पे जो है डिसेबल कर देते हैं और थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे हम कट कर देते हैं क्योंकि सिस्टम यार स्टार्ट होना थोड़ा टाइम लेता है इसमें कुछ सेकंड का। एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे जो स्टेटस बार आइकन्स दिया गया है इसमें आपको जो है वोल्टी एक आइकन मिलेगा, स्टेटस बार लिरिक है लेकिन सब सपोर्टेड म्यूजिक पे काम करेगा, म्यूजिक ऐप पे कस्टम लोगो लगा पाओगे, बैटरी बार देखने को मिल जाएगा और अदर स्टेटस बार आइकन की सेटिंग्स है जिसमें ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस है, माइक लोकेशन मीडिया इंडिकेटर मिल जाएगा, स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन है, 5G आइकन भूल जाओ, 4G आइकन काम करेगा, सो डाटा डिसेबल आइकन, रोमिंग इंडिकेटर है, वाईफाई टाइप आइकन है, और यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सिग्नल आइकन आपका शो नहीं करेगा, तो ये इसकी वजह से क्योंकि कंबाइंड सिग्नल आइकन इसके अंदर में आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल है, इसको जैसे ही ऑफ करोगे सिस्टम UI आपका रिस्टार्ट होगा और सिस्टम UI रिस्टार्ट होने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा और उसी के साथ आपका जो है सिग्नल आइकन भी इसके अंदर शो करने लग जाएगा, तो ये कंबाइंड सिग्नल बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इनेबल है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये शो नहीं करता था, अब जैसे ही ऑफ कर दिया आप देख सकते हो सिग्नल आइकन शो करने लग गया था, आप भी इसे जो है ऑफ यहाँ से कर लेना सिग्नल आइकन अगर आपको शो करना है। नेटवर्क ट्रैफिक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाती है इसमें, आप जो है ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार क्लॉक इनेबल कर पाओगे जो कि बैकग्राउंड मिल जाता है, एंड इसके अंदर क्लॉक बैकग्राउंड का अलग ऑप्शन दिया गया जिसमें आप कस्टमाइज वाला भी यहाँ पे कस्टम वाला भी लगा पाओगे, पूरा कलर वलर कस्टमाइज कर पाओगे, लेकिन साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंट जो क्लॉक बाहर बैकग्राउंड के लिए दिया गया है उसके लिए भी मिल जाता है। हालांकि कस्टम जो यहाँ पे दिया गया और जो ट्रांसपेरेंट की कस्टमाइजेशन दी गई है
दोनों की सेटिंग सिमिलर मिल जाती हैं, यानी कि क्लॉक का पूरा अंजड़ पंजड़ ढीला कर सकते हो यहाँ से, यानी कि इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे एशियन कलर आप चाहते हो या फिर नहीं तो आप यहाँ से चूज़ कर पाओगे इस क्लॉक कलर पे। एंड कॉर्नर आप अपने हिसाब से रख पाओगे कितना रेडियस होना चाहिए, एंड साथ साथ कलर को भी आप सेलेक्ट कर पाओगे, स्ट्रोक भी लगा सकते हो स्ट्रोक का कलर क्या होना चाहिए, और पोजीशन चेंज कर पाओगे जैसे स्टेटस बार की पैडिंग होती है उसी तरीके से इसमें भी आप जो है पूरी तरीके से कॉर्नर हर एक एंगल को पूरा कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड को भी पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर पाओगे क्लॉक के बैकग्राउंड को भी, इतना कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अब बात करें बैटरी स्टाइल की, तो बैटरी स्टाइल काफ़ी है, लैंडस्केप ज़्यादातर आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है इसके अंदर में, तो वो भी चेंज कर पाओगे। एंड बैटरी से रिलेटेड भी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप चार्जिंग जो टेक्स्ट है बैटरी का उसको चेंज कर पाओगे, चार्जिंग आइकन स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो वो भी 20 यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बैटरी का यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा पोजीशन वोजीशन चेंज करना है बैटरी आइकन का या हाइट एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर पाओगे, साथ साथ कलर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और बैटरी में अगर आप कलर कस्टम वाला लगाना चाहते हो तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसके लिए आपको सिंपली ये कस्टम वाला इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन नेम दिए गए हैं तो उनके हिसाब से आप कलर लगा पाओगे, बैटरी इमेज को रोटेट कर पाओगे, फ्लिप द बैटरी मिल जाएगा, बैटरी की जो है हाइट उसको भी आप एडजस्ट कर पाओगे यहाँ पे मिल जाता है, एंड हाइट के लिए मिल जाएगा, विड्थ के लिए है, टॉप मार्जिन, ये सब इस तरीके का जो है आपका पूरा पूरा ये बैटरी के लिए दिया गया। तो टोटल आप बैटरी को कस्टमाइज यहाँ से कर पाओगे। नीचे फिर यहाँ पे मिस सिग्नल के लिए मिल जाएगा, एंड वाईफाई सेटिंग्स का है जिसमें आपका यहाँ पे वोल्ट जो 4G और LTE आइकन होता है उसकी पोजीशन को चेंज कर पाओगे, यानी कि पैडिंग जो लेफ्ट एंड राइट साइड को कंट्रोल कर पाओगे, सिग्नल आइकन को भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाओगे, हाइट देख सकते हो ऊपर जो है हाइट किस तरीके से एडजस्ट हो रहा है, और साथ साथ वाईफाई के लिए दिया गया तो इसमें भी आप जो है हाइट को एडजस्ट कर पाओगे, और यहाँ पे विड्थ और मार्जिन दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। थीम्स के अंदर जाओगे तो डार्क थीम सबसे पहले मिलता है जिसमें आपको वही प्योर ब्लैक थीम इनेबल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से प्योर ब्लैक थीम इनेबल कर पाओगे। और QS सेटिंग स्टाइल भी मिल जाते हैं, यानी कि QS जो पैनल है उसका स्टाइल भी आप इसके अंदर चेंज कर पाओगे, चेंज करने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट करना उसके बाद देखोगे ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो इस तरीके के जो है आपको इसके अंदर QS पैनल का भी स्टाइल चेंज करने के लिए मिल जाता है। नीचे फिर जो मेन सेटिंग्स बेस दिया गया है, मेन आपका सेटिंग्स के लिए है कि 1 UI स्टाइल में या फिर 11 स्टाइल में आपको सेटिंग बेस चाहिए, तो नॉर्मल थोड़ा सा मेन जो सेटिंग्स हमारी उसका स्टाइल यहाँ पे चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें, अभी आप यहाँ पे स्क्रीन लेफ्ट ओपेसिटी ये सब कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड व्यू दिया गया है ये आपका कार्ड स्टाइल के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो कार्ड स्टाइल मिल रहा है सभी सेटिंग्स पे, इस कार्ड स्टाइल को सभी जगह आप एडजस्ट कर पाओगे अपने हिसाब से, अलग अलग सेक्शन दिए गए, एसेंट के लिए हो गया, एसेंट सेटिंग जो फीचर मिलता है इसका ये हो गया, होम पेज यानी कि मेन जो सेटिंग्स हमारी है उसके लिए हो गया। अब लास्ट वाला जो यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिया गया है ये आपको एसेंट और मेन होम सेटिंग्स के अलावा जो बाकी सेटिंग्स हैं उनके लिए मिल जाता है, यानी कि कार्ड स्टाइल इस तरीके से आप इनेबल कर पाओगे सभी जगह, और मेन होम सेटिंग्स या फिर एसेंट के लिए भी मिल जाता है। मेन सेटिंग्स में जैसे कि कार्ड स्टाइल इनेबल कर दिया, अब इसमें आपको उसी कार्ड स्टाइल की कस्टमाइजेशन मिलने वाली जिसमें आप यहाँ पे समरी कर सकते हो, एरो आइकन हो गया, ये सब कुछ कुछ जो मेन सेटिंग्स में आप इनेबल कर पाओगे इसके अंदर में। अगर कलर चेंज करना चाहते हो जैसे कि ग्रेडियंट आपको करना है तो ग्रेडियंट भी आप कर पाओगे, लेफ्ट साइड का ओपेसिटी कितना होना चाहिए या फिर राइट साइड का ओपेसिटी कितना होना चाहिए, एंड यहाँ पे रिपल जो कलर सेट स्टाइल है वो कर पाओगे, कॉर्नर कैसा होना चाहिए इसका कार्ड स्टाइल का, मिडिल कार्ड का यहाँ पे कैसा होना चाहिए वो सब आप एडजस्ट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे कार्ड स्टाइल का ग्रेडियंट कलर इनेबल किया हूँ तो सिर्फ मेन होम सेटिंग में इनेबल होगा, देखोगे एसेंट पे नहीं है, लेकिन मेन सेटिंग में जैसे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनेबल हुआ पड़ा है। तो इस तरीके जो है आप इसका यूज कर पाओगे, कार्ड स्टाइल जो मिलती है उसका आप यहाँ पे पूरी तरीके से कस्टमाइजेशन दिया गया है इसके अंदर में, तो यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग दिया गया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इनेबल कर लेना, तीनों की सेटिंग हालांकि सेम ही रहने वाली है। और बाहर में यहाँ पे एसेंट सेटिंग जो थीम मिलती है आपका एसेंट जो फीचर वाला सेक्शन है उसके लिए दिया गया, जिसमें इसका पूरा स्टाइल आप देखोगे चेंज हो चुका है, यहाँ पे एसेंट फीचर वाला हमारा ये सेक्शन है इसका स्टाइल चेंज हो गया है, तो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे इसके अंदर से। और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं मेन सेटिंग्स के भी काफ़ी स्टाइल हैं, हम चलते हैं थीम्स के अंदर वापस से यहाँ पे, और ये अबाउट फोन के लिए हालांकि इसके लिए एक ही मिलता है ऑक्सीजन स्टाइल का, आप चेंज कर पाओगे तो अबाउट फोन पूरा चेंज हो जाएगा, नॉर्मल से बिल्कुल ही अलग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का अबाउट फोन हमारा आप देखने को मिल रहा है जो कि देखने में काफ़ी प्रोफेशनल सा लग रहा है, तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा ये। और इसी के अंदर हम चलते हैं यहाँ पे कार्ड विथ हार्ट्स जो कि इसके अंदर मिलता है और यहाँ पे थीम्स के अंदर, तो ये तो हमारा अबाउट फोन हो गया। बात करें सीक बार की, ये हो गया सीक बार, ये स्लाइड जो हम करते हैं इनको ये हो गए, तो इनका एक्सपेंड करोगे जैसे ही तो इस तरीके का स्टाइल हो जाएगा, एंड स्क्विगल करोगे तो स्क्विगल जो मीडिया प्लेयर में आप देखोगे बेब वाला उस तरीके का हो जाएगा ये इसका स्टाइल। एंड थर्ड वाले में आपको यहाँ पे फील्ड मिल जाता है और कुछ इस तरीके का जो है आपका ये फील्ड वाला देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो भी पसंद हो यहाँ पे इनेबल कर लेना, फिलहाल मैं जो है स्क्विगल यूज़ करूँगा यही मेरे को पसंद है। एंड ये है अब हमारा मेन सेटिंग्स का स्टाइल, तो अब इसको जैसे कि इनेबल कर दो, हालांकि एक ही दिखा रहा हूँ ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा सभी, नहीं तो वीडियो ये कहीं और ही पहुँचने वाली है लंबी जो है,
तो अभी देख सकते हो मेन सेटिंग बिल्कुल ही डिफरेंट चेंज हो चुका है, कुछ इस तरीके का अलग अलग नीचे सेक्शन बन चुके हैं। तो इस तरीके से मेन सेटिंग्स को अब आप चेंज कर पाओगे, तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल आप देख सकते हो काफ़ी मिल जाते हैं, तो चेंज कर लेना अपने हिसाब से। अब इसमें भी आपको अलग अलग सेटिंग्स इसके लिए भी दिया गया था, ये भी मैं यहाँ पे सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको दिखा दो इसकी सेटिंग्स, तो यहाँ पे भी कार्ड का जो कलर है वो आप चेंज कर पाओगे, ग्रिड कार्ड जो मिलते हैं वो, एंड सेटिंग डैशबोर्ड सेप भी चेंज कर पाओगे इसके अंदर इनेबल करके। साथ साथ यहाँ पे सर्कल कलर हो गया, या फिर ब्लर अगर आप करना चाहते हो ब्लर कंट्रोल कर पाओगे, रेडियस को लेयर बैकग्राउंड के लिए भी मिल जाता है। तो ये सब मेन सेटिंग्स के लिए दिया गया है। और ये हो गया यूआई स्टाइल, जिसमें आप यहाँ पे कलर प्रीवियस वैसे मिल ही जाता है, प्रीव्यू आपको मिल जाता है सभी के कलर के देखने को मिल रहा है, क्लिक करोगे तो उसी का पूरा बैकग्राउंड कलर आपको देखने को मिलेगा सभी जगह। लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉर्मेट हो गया, एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉन्ट्स देखने को मिल जाएगा, एंड हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स मिल जाता है यहाँ से चेंज करने के लिए। नीचे फिर आइकन पैक्स देखने को मिलेगा, और इसी के जस्ट नीचे आपको डेट आइकन स्टाइल मिलेगा, जो कि किसी में देखने को नहीं मिलता इसके अंदर आपको, ये भी चेंज करने को मिल जाएगा। एंड स्टेटस बार आइकन स्टाइल मिल जाएगा इसके अंदर में, जो कि ये भी जो है काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। सिग्नल आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में, तो ये भी जो है काफ़ी सारे वैसे देखने को मिल रहे हैं। वाईफाई आइकन स्टाइल कुछ इस तरीके का मिलेगा, और इसके अंदर आइकन सेप भी दिया गया है, तो ये आइकन सेप कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी के नीचे आपको कॉर्नर स्टाइल के लिए भी मिल जाता है, जो कि ये चीज़ भी आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलता है कुछ ही रोम्स में, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 में इसके अंदर देखने को मिल जाता है काफ़ी कुछ। साथ साथ स्विच स्टाइल मिल जाएगा, जो कि पहले के एंड्रॉयड वर्जन में मिलता था, बट एंड्रॉयड 13 में मैं शायद तक इसी रोम पे पहले ही रोम है जिसमें आप मैं यह चीज़ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके जो टॉगल होते हैं ऑन ऑफ करने के, स्विच स्टाइल इन्हें बोलते हैं, तो ये इनका जो है आप थोड़ा सा आइकन चेंज कर पाओगे, तो इस तरीके जो है ये मिलने वाले हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे थीमिंग के लिए मिल जाएगा, यानी कि मॉनेट के लिए, तो यहाँ पे थीम कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर पाओगे, ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर कलर सोर्स आप चूज़ कर सकते हो कि वॉलपेपर का चाहिए, लॉक स्क्रीन वाले का, या बोथ कर सकते हो, या फिर प्रेजेंट जिसमें आप कस्टम कलर लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती थीम्स के अंदर। अब चलते हैं क्विक सेटिंग्स में, तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल है, जिसमें स्टेटस बार पे डायरेक्ट स्लाइड करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे। रिक्वायर अनलॉक टू यूज सेंसिटिव टाइल मिल जाएगा, क्विक पुल डाउन भी है, सो डाटा यूजेस भी है, फूटर अलर्ट भी मिल जाता है, साथ साथ बैटरी एस्टिमेट है, क्यूएस स्टाइल लेआउट है, और ये स्क्विगल एनिमेशन जो दिया गया है, ये आपको वेब एनिमेशन जो मीडियम मिलता है इस तरीके का, उसको आप ऑन ऑफ कर पाओगे। मीडिया के लिए मेन जो है दिया गया है। नीचे भी बैकग्राउंड जो पैनल है ओपेसिटी, क्यूएस पैनल का बैकग्राउंड ओपेसिटी है, उसको कंट्रोल कर पाओगे, और क्यूएस पैनल में भी आप कस्टम बैकग्राउंड लगा पाओगे यहाँ पे, वॉलपेपर या डिस्को जैसे कि मैं लगाया, तो डिस्को में क्या होता है कि ऑटोमेटिक या डिस्को लाइट की तरह कलर चेंज करता रहेगा। अब इसमें भी चाहो तो आप कस्टम कलर लगा पाओगे अलग अलग, देख सकते हो कस्टम के ऑप्शन दिए गए हैं, 3 कस्टम कलर पिक करना है तो 3-3 लगा पाओगे, वहीं से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी फिर नीचे में आपको इसके लिए भी आपको क्यूएस जो पैनल जी दिया गया कस्टम वाला, उसकी भी ओपेसिटी को आपको यहाँ से कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। ब्लर अगर आप कंट्रोल करना चाहो अपने हिसाब से रखना चाहो, तो यहाँ से ब्लर के लिए भी मिल जाता है क्यूएस पैनल के लिए ही, तो ये भी दिया हुआ है। नीचे पे वाइब्रेट ऑन टच मिल जाएगा, जो कि टाइल पे टच करने पे वाइब्रेट होगा, एंड ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स नीचे मिलती है। ऑटो ब्राइटनेस आइकन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो इनेबल कर लेना, साथ साथ परसेंटेज भी आप इनेबल कर पाओगे इसके अंदर में, ब्राइटनेस कितने परसेंट आप किए हो वो भी देखने को मिल जाएगा। और नीचे फिर ब्राइटनेस लैडर की स्टाइल भी देखने को इसके अंदर मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4-5 स्टाइल मिल जाता है, एक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा उतना भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही तगड़ा चेंज देखने को मिलेगा। एंड बटन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे टॉगल फ्लैश लाइट के लिए मिल जाएगा, वॉल्यूम स्टेप है, वॉल्यूम टाइम आउट के लिए मिल जाएगा, एंड यहाँ पे वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट के लिए मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज भी, हालांकि वॉल्यूम पैनल देखोगे कुछ इस तरीके का है, परसेंटेज अभी नहीं है, लेकिन यहाँ से परसेंटेज आप इनेबल कर पाओगे। अब इस परसेंटेज को चाहो तो आप टॉप या बॉटम पर भी रख सकते हो, इसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर। वॉल्यूम पैनल का भी सीक बार स्टाइल चेंज करने पर हो तो वो भी आप कर पाओगे, वॉल्यूम पैनल चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम पैनल का अंदर जो सीक बार है आप देख सकते हो थोड़ा सा वहाँ पे चेंज जैसा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया इस तरीके का। नीचे फिर मीडिया कंट्रोलर वॉल्यूम रोकर है, और डिसेबल हार्डवेयर बटन के लिए भी मिल जाएगा, तो डिसेबल कर सकते हो हार्डवेयर बटन को भी आप यहीं से बटन के अंदर ही मिलता है। पावर मेन्यू में आपको डिसेबल पावर मेन्यू ऑन लॉक स्क्रीन मिलेगा, एंड एडवांस रिस्टार्ट के सेटिंग्स मिल जाते हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं। जेस्चर के अंदर में यहाँ पे एएसपी जेस्चर मिल जाएगा, इसके अंदर आपका क्विकली ओपन कैमरा है, सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग्स मिल जाती है, हालांकि जेस्चर इसके अंदर काम करता है वो मैं आगे आपको सेटिंग दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके की सेटिंग्स अभी दिखा देता हूँ। ये सब सेटिंग्स देखने के यहाँ पे मिल जाएगा। 100 मोड है, प्रेजेंट होल्ड पावर बटन भी है, रिंगिंग भी है, ये सब भी मिल जाएगा। बाहर में स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, यानी कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। काम कर डिलीट ऑप्शन है, डबल टैप स्लिप स्टेटस बार लॉक स्क्रीन के लिए दोनों के लिए है। हैप्टिक फीडबैक भी है, और आईमी बटन स्पेस भी है, कीबोर्ड के नीचे का स्पेस इससे गायब हो जाएगा। एडवांस जेस्चर ऑप्शन भी है, जिसमें स्वाइप लेफ्ट एक्शन ये सब आप लगा पाओगे। टच स्क्रीन जेस्चर है, जिसमें हैप्टिक फीडबैक के लिए भी आपका मिलता है। और ये है नेविगेशन बार, इसके अंदर आपको पल्स देखने को मिलेगा। अगर आप इन डिस्प्ले नेविगेशन बार यूज़ करते हो तो उसका भी स्टाइल चेंज कर
कर पाओगे, जस्ट इसी के नीचे ही आई ये देखने को यहाँ पे मिलने वाला। तो काफ़ी सारे स्टाइल यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। और ये है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार, आप इसको यहाँ से इनेबल कर पाओगे। तो जेस्चर इसके अंदर काम करता है, बस यहाँ से आपको नेविगेशन बार के अंदर से इनेबल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन में जाके आप यहाँ से बटन या जेस्चर यूज कर पाओगे इसके अंदर। वैसे इसके अंदर में आपका साथ में हार्ड बटन भी काम करता है, तो इन डिस्प्ले के साथ आप साथ में हार्ड बटन का भी यूज़ कर पाओगे। बट इसके अंदर आपको हार्ड बटन लाइट का बग देखने को मिलता है, हार्ड बटन लाइट का बग रहेगा, बट साथ में जेस्चर इन डिस्प्ले और बाहर हार्ड बटन दोनों साथ में आप यूज़ कर पाओगे। तो अपने हिसाब से आप यूज़ कर लेना। नीचे फिर आपको बैक जेस्चर के लिए जो कि जेस्चर में बैक वाला एरो मिलता है उसको ऑफ कर पाओगे, यानी कि बैक जेस्चर एनिमेशन को। और लॉक स्क्रीन में आपको हाइड क्यूएस ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन मिलता है, हाइड स्टेटस बार है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो मिल जाएगा, टेम्परेचर है, नीचे जेस्चर वाले सेक्शन में फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन है, एरर वाइब्रेशन मिल जाएगा, ईओडी आइकन ऑन लॉक स्क्रीन जो कि हमारे काम का है नहीं, मीडिया कवर आर्ट ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के अंदर कलर आइकन है, नोटिफिकेशन काउंट है, अलर्ट स्लाइड है, नोटिफिकेशन है, नॉइसी नोटिफिकेशन है, फोर्स स्टॉप बटन मिल जाएगा, फोर्स एक्सपेंड नोटिफिकेशन के लिए भी है, एंड मटेरियल डिसमिस बटन इसके लिए भी कस्टमाइजेशन है, अलग अलग आइकन स्टाइल मिल जाएंगे, एंड बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर पाओगे, साथ साथ डिसमिस बटन टिंट होना चाहिए वो भी आप चेंज कर पाओगे, कस्टम कलर इसके अंदर भी आप लगा पाओगे। आपका नोटिफिकेशन क्लियर करने के लिए एक बटन आता है, क्लियर करने के लिए उसका स्टाइल आप चेंज कर पाओगे, नोटिफिकेशन में जो बटन मिलता है क्लियर करने के लिए उसके लिए दिया गया है पूरा। एंड नीचे फिर वही मीडिया आर्टवर्क बैकग्राउंड के लिए मिलेगा, एंड नोटिफिकेशन लॉकिन के लिए मिल जाता है, मैक्स नोटिफिकेशन कितना रखना है, और ये स्टेटस बार के लिए मेन आपको मिल जाएगा, और नीचे रिटीकर है जिससे नोटिफिकेशन आपका रीडिजाइन हो जाता है और स्लिम मिलता है, और यहीं पे नीचे एज लाइटिंग भी दिया गया, इसके भी काफ़ी सेटिंग्स है, तभी फिर आप पूरा ओपन सेटिंग्स मिल जाता है यहाँ। नीचे फिर इनकॉल वाइब्रेशन है, ब्लिंक फ्लश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल के लिए मिल जाएगा, ये चीज़ें मिलती हैं। वहीं एनिमेशन में जाते हो तो इसके अंदर आपको स्क्रीन ऑफ एनिमेशन मिलेगा, एंड्रॉइड पी एनिमेशन अगर इनेबल करना चाहो तो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, पाई वाला, तो इस तरीके से मिल जाएगा। पावर मेन्यू एनिमेशन है, चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएगा, एंड टाइल एनिमेशन, तो ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। बैटरी के अंदर स्मार्ट पिक्सल मिल जाएगा, बैक ब्लॉकर मिल जाता है, ब्लॉक सेंसर के लिए मिल जाएगा, किल बैकग्राउंड प्रोसेस है, बैटरी बार बैंक चार्जिंग है, एंड नोटिफिकेशन लाइट और बैटरी लाइट मिल जाता है, ये भी यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिसलेनियस के अंदर गेम स्पेस दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कॉल मोड भी वैसे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से कॉल मोड भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और गेम यहाँ से सिंपली ऐड कर लेना, बाकी के इंटरफेस में आगे गेम में दिखा दूंगा। अनलॉक हायर एफपीएस भी है, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज भी है, नेटफ्लिक्स स्पूफ हमारे काम का है नहीं, अलार्म ब्लॉकर मिल जाता है यहाँ पे, एंड गूगल सर्विसेज को भी आप इसके अंदर से ऑन ऑफ कर पाओगे, ये भी यहाँ पे नहीं मिल जाता, इसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे यहाँ से, बट इनेबल ही रहने देना। एंड पैरेलल स्पेस भी दिया गया, और ये भी अच्छे से काम करता है, जो कि डुअल ऐप आप क्रिएट कर पाओगे इसके अंदर से, ऐप क्लोन यानी कि ये काम करता है। अभी नीचे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग भी है, जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट्स को रिमूव कर पाओगे। वॉलपेपर जूम इफेक्ट भी दिया गया है, साथ साथ म्यूट मीडिया वॉल्यूम ऑन साइलेंट और वाइब्रेट के लिए मिल जाएगा। टोस्ट ऐप आइकन भी दिया है, साथ साथ लॉन्च म्यूजिक ऐप ऑन हेडसेट मिल जाएगा, यानी कि म्यूजिक ऐप आपका लॉन्च हो जाएगा जैसे ही आप ईयरफोन लगाओगे। एंड फ्रेम रेट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको फ्रेम रेट भी मिल जाता है, कितने फ्रेम रेट पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करना चाहते हो, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो। वेदर की सभी सेटिंग्स यहीं पे मिलने वाली, देखोगे तो सभी जगह के ऑप्शंस मिल जाते हैं वेदर के लिए। बैक ऑन प्लग भी है, अलाउ सिग्नेचर फोपिंग भी है, यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन भी है, और रेडियो इन्फो मिल जाता है, इसी के अंदर से आप प्रेफरेंसेस जो नेटवर्क प्रेफरेंसेस है वो आपको इसके अंदर देखने को काफ़ी मिल जाएंगे, बाकी बाहर फिर अबाउट देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे बाहर में पूरी तरीके से, तो ऐप्स के अंदर इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो असिस्टेंट दिया गया है इसका बग मिलता है। जीएफ्स इंक्लूडेड बिल्ड से इंस्टॉल किया बट इसका हमें बग यहाँ पे मिलता है, ओके गोल काम नहीं करता इसके अंदर। वहीं लॉन्चर इसके अंदर आपको असिस्टेंट वाला ही मिलेगा, जिसमें आपको आइकन्स के सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आइकन पैक का भी है, और होम स्क्रीन पे भी मोस्टली सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, वॉलपेपर जूमिंग के हो या हॉटसीट बैकग्राउंड हो या एड ग्लेंस के एक्सटेंड का हो, गूगल सर्च हो, ये सब आपको मिलेगा। ऐप ड्रॉअर के अंदर थीम्ड आइकन, बैकग्राउंड ओपेसिटी, ये सब मिल जाएगा। एंड वहीं अगर हम बात करें रीसेंट की, तो रीसेंट के अंदर में ही आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ओपेसिटी मिलता है, और साथ साथ मेमोरी इन्फो के लिए भी मिल जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट अभी ऑफ है। जैसे हम इनेबल करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टाइल है, इसमें नेक्स्ट करेंगे तो करीब 3 से 4 स्टाइल देखने को मिल जाता है, दूसरा इस तरीके से है, तीसरे में यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा है, एंड फोर्थ वाला काफ़ी स्लिम हो जाता है, फर्स्ट वाले की तरह रहेगा बट काफ़ी स्लिम रहता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से मेमोरी इन्फो का भी स्टाइल चेंज कर पाओगे, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। मिसलेनियस में टास्कबार दिया गया है, जो कि काम करता है, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप है, बट यहाँ का ऐप लोग यूज़ मत करना, जो सिक्योरिटी ऐप है उसका यूज़ करना, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसके लॉन्चर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। और अब चलते हैं बाहर में, और यहाँ पे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। हालांकि नोटिफिकेशन दूसरी रोम्स की तरह ही रहेगा, कुछ यहाँ पे खास नहीं है, नॉर्मल है पूरा। और बैटरी के अंदर यहाँ पे हमें जो है बैटरी यूजेस मिल जाता है, ऊपर रीसेट स्टैट्स के लिए भी दिया गया है,
और यहाँ पे बैटरी सेवर भी दिया गया, स्टीम बैटरी सेवर भी है इसके साथ, बैटरी मैनेजर है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगा, स्लीप मोड दिया गया तो इसका भी यूज़ कर पाओगे, शेड्यूल्स भी लगा पाओगे यहाँ से, और बाहर में ही यहाँ पे हमें जो है टेम्परेचर के लिए भी मिल जाता है बैटरी टेम्परेचर। अब बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% तक जो है बैटरी हमें इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिली है। तो कुछ इस तरीके का बैटरी रहेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं तो इंक्रीज रिंग वॉल्यूम मिल जाएगा, मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगा पाओगे, एडिप्टिव प्लेबैक भी है एंड एडिप्टिव साउंड भी है जिससे आपका फ़ोन का स्पीकर का क्वालिटी इंप्रूव होता है थोड़ा। एंड मीडिया मिल जाएगा, मीडिया हालांकि आपको लेटेस्ट ही यहाँ पे मिलने वाला है पूरा, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं, दूसरी रोम की तरह ही पूरा रहेगा। एंड वाइब्रेशन एंड हैप्टिक के अंदर आपको यहाँ पे रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न भी मिल जाता है, बाकी हैप्टिक फीडबैक तो काम कर रहा है, कस्टम वाइब्रेशन भी आप इसके अंदर लगा पाओगे। नीचे फिर बाकी के साउंड के ऑप्शंस मिलेंगे, यहीं पे लास्ट में नीचे आप देखोगे तो पर है वॉल्यूम कंट्रोल भी साउंड पे ही मिल जाएगा, और उसके नीचे फिर ड्रैग साउंड दिया गया है जो कि अच्छे से काम कर रहा है, लेटेस्ट इमेज है और लेटेस्ट प्रीसेट्स के साथ में आता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन ये भी काम कर रहा है एंड वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल ये भी इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग रहने वाला है। डिस्प्ले के अंदर जाते हैं, एडिप्टिव साउंड है, ऑन शॉट ऑटो ब्राइटनेस मिल जाएगा, लाइव डिस्प्ले यानी कि पिक्चर एडजस्टमेंट, कलर कैलिब्रेशन ये सब आपको मिलेगा इसके अंदर। लॉकिंग मिल जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे डबल लाइन क्लॉक काम कर रहा है, ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग है, अम्बिन म्यूजिक टेकर भी है यहाँ पे, और लॉकिंग का यहाँ पे टाइम आउट भी देखने को मिल जाएगा। डार्क थीम ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, नाइट लाइट दिया हुआ है, रोटेशन में आपको मोड मिल जाते हैं अलग अलग रोटेशन के, और टैप टू बैक काम कर रहा है, एक्सीडेंटल बैकअप है, हाई टच सेंसिटिविटी है, पॉकेट डिटेक्शन ये तो हमारे काम का है नहीं कटआउट वाला। बाकी टॉर्च के सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसमें व्हाइट और येलो टॉर्च को आप कंट्रोल कर पाओगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम वॉलपेपर एंड स्टाइल की, तो इसके अंदर वॉलपेपर जो सेट है ये प्री अप्लाई आता है इसके अंदर में, वॉलपेपर एंड बेसिक कलर अच्छे से काम करे। थीम्ड आइकन की जगह यहाँ पे टॉगल की जगह आइकन का पूरा कस्टम वाला दिया गया है, तो आइकन का एपीके मैं दे दूंगा वैसे, तो उसको आप इंस्टॉल कर लेना, और ग्रिड काफ़ी देखने को मिल जाते थे, यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। नीचे फिर यहाँ पे मिलता है हमें एसेबिलिटी जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डिम मिल जाता है, तो यहाँ से यूज़ कर पाओगे एक्स्ट्रा डिम ब्राइटनेस करने के लिए। और सिक्योरिटी के अंदर आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट भी मिलता है, ऐप लॉक भी है, सस्पिशियस मैसेज अलर्ट भी मिल जाता है, जो फेक आते हैं फेक लिंक्स ये सब आते हैं उनके लिए जो है अलर्ट कर देगा, फेक मैसेज जो होते हैं उन सब के लिए ये जो दिया गया है ये अलर्ट कर देता है। और फिर मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, हालांकि रोम इनक्रिप्टेड आता है, मैं डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल किया हूँ, बाय डिफॉल्ट ये इनक्रिप्टेड आता है रोम। और अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सबसे पहले तो आपको बता दूँ इसके अंदर आपको पैटर्न अगर ऐड करते हो तो पैटर्न साइज मिल जाता है, अगर आप पिन ऐड करोगे तो स्क्रैम्बल आउट पिन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट दिखा देता हूँ, फिंगरप्रिंट कुछ इस तरीके का रहेगा। हाँ, इसके एनिमेशन की वजह से थोड़ा ज़रूर यहाँ पे लैग करता है एनिमेशन की वजह से, बाकी अगर फेस अनलॉक देखें तो फेस अनलॉक भी वैसे अच्छे से काम कर रहा है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एंड सेटिंग देखोगे तो यहाँ पे स्क्रैम्बल नंबर मिल जाता है जिससे हमारा नंबर पोजीशन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इस तरीके का नंबर पोजीशन आप देखोगे चेंज, और जितनी बार अनलॉक करने आओगे उतनी बार ये चेंज रहेगा जब तक इसे आप यूज़ करोगे। तो ये जो है इस तरीके से काम करता है। ऐप लॉक भी यहाँ पे दिया हुआ है वैसे इसके अंदर में, तो ऐप लॉक अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो ऐप लॉक को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का ज़्यादा अच्छा और अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा सिक्योर भी रहता है। तो जो इसके लॉन्चर के अंदर दिया है उसका यूज़ मत करना, यहाँ वाला यूज़ करना, मोस्टली एप्लीकेशन वैसे सपोर्टेड है, थोड़ा सा लोड ले रहा था, बाकी आप आइए सपोर्टेड है मोस्टली जो ऐप है उन पर आप काम यूज़ कर पाओगे। और डिजिटल बल्बिंग है, अच्छे से काम करता, बाकी सिस्टम के अंदर लैंग्वेज में ऐप लैंग्वेज में भी कोई से कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे 4-5 एप्लीकेशन सपोर्टेड मिल जाते हैं एंड लाइव ट्रांसलेट है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करें यहाँ पे इसके क्विक पैनल के बारे में, तो यहाँ पे जो एनिमेशन लैग दिया गया है काफ़ी कम है, भी लैग नहीं मिलता है, और ब्लूटूथ का टॉगल जो है नॉर्मल है एंड इंटरनेट पर हॉटस्पॉट मिल जाता है टाइल पे। एडिट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एडिट के अंदर सेपरेट टाइल है मोबाइल का और वाईफाई का मिल जाता है सेपरेट टाइल, हालांकि यहाँ पे टाइल्स की बिल्कुल कमी नहीं है, काफ़ी टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कस्टमाइजेशन है उसी तरीके से टाइल्स भी काफ़ी सारे देखने को इसके अंदर में हमें मिल जाते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे स्किप टाइमर दिया हुआ है, इसकी बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आपको जो लैग है काफ़ी हल्का फ़र्क पड़ता है, यानी कि नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा लैग बढ़ जाता है, बट हैवी लैग नहीं होता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से काफ़ी कम ही रहने वाला है, तो इससे भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम पैनल ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ऐप ओपनिंग की अगर बात करें तो ऐप ओपनिंग में यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़रूर यूआई लैग कुछ कुछ एप्लीकेशन पर मिल जाता है, बट जब स्वाइप अप करोगे उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपका जेस्चर अगर यूज़ करोगे उस टाइम थोड़ा ज़्यादा आपको फील होने वाला वो चीज़। बाकी रिसेंट ऑलरेडी आपको बता चुका इन सब के बारे में। प्ले स्टोर देखते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, यानी कि सेफ्टी नेट भी पास आता है, बैंकिंग ऐप विदाउट रूट यूज़ कर पाओगे, उसको लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरा इसके अंदर में अपर्चर वाला प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, तो इसका यूज़ करना तो कर पाओगे, बाकी या फिर जीके मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, ये भी अच्छे से उसे काम कर जा रहा है। 8.2 में इंस्टॉल किया हूँ, काम कर रहा है, नॉर्मल पिक्चर या वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर पाओगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, स्लो मोशन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि स्लो मोशन वो काम नहीं करेगा। FM इसके अंदर ये भी काम कर रहा है, FM को लेकर के भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐप ड्रॉअर, यहाँ पे भी है मोटो ऑडियो भी इसके अंदर आता है जो कि काम कर रहा है, यानी कि डॉल्बी ऑडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। अब बात करें यहाँ पे गूगल फ़ोटो के बारे में, तो यहाँ पे गूगल फ़ोटो के अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलने वाला है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। गूगल फ़ोटो बिल्कुल अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ में आता है, तो इसका यूज़ भी कर पाओगे। यहाँ पर जैसे देखने को ये मिल भी जा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिल जाती हैं एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम यहाँ पर इसके कॉलिंग की तरफ, तो यहाँ पे वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा। और अगर बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, तो ये अच्छे से काम कर रहा है, सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है काम कर रहा है, अलर्ट कर देता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया, कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस में भी कोई दिक्कत नहीं है। और एंटूटू स्कोर 125,894 हमें इसके अंदर देखने को मिला है, तो कुछ इस तरीके का स्कोर मिलने वाला है। अब यहाँ पे बूट एनिमेशन थोड़ा दिखा दूँ, तो जैसे कि बाकी डिवाइस में ऐसा लैग मुझे देखने को नहीं मिला था इसके बूट एनिमेशन में, बट इसके अंदर देखोगे तो काफ़ी लैग जो है देखने को मिल रहा है बूट एनिमेशन में। तो अब डिवाइस भी जो है काफ़ी लो है, उतना हैवी नहीं मिलता अगर बाकी डिवाइस का जैसे कि रिव्यू किया था तो थोड़ा ठीक थे, ये थोड़ा ज़्यादा ही पुराना हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लैग जो है इसके बूट एनिमेशन में कर रहा हो, थोड़ा उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ पे टाइम ले रहा है बूट में, तो बूट में थोड़ा टाइम ज़रूर यहाँ पे लेने वाला है इसके अंदर में। और थोड़ा यूआई लैग भी यहाँ पे, यानी कि बूट एनिमेशन में जो लैग है वो भी यहाँ पे रहने वाला, लैगिंग सा आपका फील होगा इसके अंदर बूट एनिमेशन में, बट इससे हमें कोई उतना लेना देना है नहीं। बूट एनिमेशन में यूज़ तो फ़ोन करना है, बूट एनिमेशन थोड़ी ना। तो यहाँ पे एसेंट ओएस ये इस तरीके से जो है ऑन होने वाला है, तो आपको दिखा दिया। अब बात करें गेम स्पेस की, तो कुछ इस तरीके का गेम स्पेस मिलने वाला है, ओनली बैटरी का भी मिल जाता है, वैसे मेमोरी अवेलेबल भी है, बाकी के जो ऑप्शन है ये सब मिल ही जाते हैं, लॉक जेस्चर या पीएस इन्फो स्टेबैक ये सब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं अब इसके हम ग्राफिक की तरफ, तो ग्राफिक आपको यहाँ पे दिखा दूँ किस तरीके का रहने वाला है इसके अंदर में। तो स्मूथ पे वैसे आपको यहाँ पे 90+ मिलता है, बैलेंस पे मीडियम रहेगा, उसके आगे अनलॉक नहीं है, तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे, जैसे कि उसके आगे हमारा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता है। अब बात करें गेमिंग के बारे में, तो गेमिंग देखो इसके अंदर ठीक ठाक रहने वाली, जैसा कि इसका यूआई की बात आया मैं कि यूआई में जो है अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी यहाँ पे नहीं मिलता, यूआई ठीक ठाक ही रहता है, थोड़ा लैग करता है, हैवी लैग नहीं है लेकिन काफ़ी कम कम सा लैग करता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब यूज़ करोगे तब ज़रूर वहाँ पे थोड़ा लैग और बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर हम गेमिंग की बात करें, तो गेमिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक सही है, ज़्यादा तगड़ा भी यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलता अगर हम नोट 4 के हिसाब से भी देखें तो। तो कुछ इस तरीके का जो है आपका यहाँ पे ये रोम रहने वाला है। हाँ ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे वर्किंग मिल जाती है अगर हम ओके गूगल को अगर हम छोड़ दें, जी एप्स इंक्लूडेड, हालांकि विल्ड में यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसका वनीला भी आता है बट जी एप्स इंक्लूडेड वाला मैं इंस्टॉल किया हूँ यहाँ पे, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे फिलहाल ओके गूगल का बग मिला है। तो आप यहाँ पे देख लेना, बाकी सारी चीज़ें जो है हॉटस्पॉट या पे बात करें कॉल रिकॉर्डिंग की या ब्लूटूथ डिवाइस की, तो ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं इसके अंदर में, उनमें दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में, और वीडियो आपको कैसी लगी है और मेरी मेहनत जो है आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो के लिए जैसे कि मैं अभी आपको बताया था कि जब तक जिंदा है वीडियो तब तक मेरा, जब तक वीडियो जो जिंदा रहेगा तब तक वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।